मालियावत देख कर कलियन गरी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार, कल ही हमारी बार। इस दोहे में अन्युक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहां पर माली जो शब्द यूज किया गया है वो यमराज के लिए किया गया है और कलियन यानी कि कलियां, कलियां जो कि अभी फूल नहीं बनी है, तो जब बगीचा जो बगीचा है जो उद्यान है उस उद्यान में माली आता है और कलियों को छोड़कर फूलों को तोड़ लेता है, फूलों को चुन चुन कर तोड़ लेता है। यहां पर हमें इस दोहे के माध्यम से यह बताया गया है कि माली यानी कि यमराज आता है और इस धरती से फूल यानी कि बुजुर्ग लोग जो परिपक्व हो चुके हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें वह अपने साथ ले जाता है और कलियां यानी कि युवा लोगों को छोड़ जाता है। तो मालियावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। तो कलियां ये कहती है कि जिस प्रकार ये माली फूलों को चुन चुन कर ले गया, कल हम भी फूल बन जाएंगे और कल ये हमें भी तोड़ेगा और अपने साथ ले जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यमराज भी जो आज कली है वो कल फूल बनेंगे और कल उनकी भी मौत आएगी, उन्हें भी मृत्यु को प्राप्त होना होगा। इसलिए यहाँ पर यह इस दोहे में अन्युक्ति अलंकार के माध्यम से बताया गया है कि जितना समय हमारे पास बचा है क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, बड़ा किया जाए।